अकेले लड़ने की ताकत। कभी कभी हमें जीवन में अकेले लड़ने की आवश्यकता होती है। यह कहानी एक ऐसे लड़के की है जो अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए अपने अकेलेपन को एक सुनहरा अवसर बनाता है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। वह बहुत सपने देखता था और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास करने का निरंतर जुनून रखता था। परंतु उसके पास न कोई साथी था न कोई गाइड करने वाला। उसके परिवार में भी उसकी सपनों को समझने वाला कोई नहीं था। इसलिए उसे लगता था कि वह अकेलेपन की जंजीरों में बंद है और उसके सपने अधूरे रहेंगे। फिर भी उसने निरंतर मेहनत की और अपने आत्मविश्वास के आवाज को बुलंद किया। उसकी इच्छा शक्ति और संघर्ष ने उसे सही दिशा में आगे बढ़ने की शक्ति दी। एक दिन उसे अपने गांव के बाहर एक पुस्तकालय का पता चला। वह आश्चर्यचकित हुआ क्योंकि उसे पहले कभी ऐसी जगह नजर नहीं आई थी। धीरे धीरे उसने उस पुस्तकालय के दरवाजे पर कदम रखा। वहां जाकर उसने देखा कि लोग पुस्तकों के बीच खोए रहते हैं और वहां की शांतिपूर्णता और ज्ञान के वातावरण ने उसे संतुष्ट कर दिया। अपनी उत्कृष्टता को पहचानते हुए उसने यह निर्णय लिया कि वह पुस्तकालय में समय बिताएगा। धीरे धीरे वह पुस्तकालय की विभिन्न किताबों को पढ़ने लगा और नई दुनिया की खोज में निकल पड़ा। दिन बिताने के साथ साथ उसका ज्ञान बढ़ता गया और वह अच्छे लेखकों और दर्शकों के साथ रिश्ते बनाने लगा। इसी के साथ उसने लिखने का भी मन बना लिया। उसने कई लेख लिखे जिसमें से उसका एक लेख प्रकाशित हुआ और उसे अवसर मिला अपने लेखकीय कौशल को दुनिया के सामने प्रदर्शित करने का। वह लड़का जिसने कभी अकेलेपन को एक रुकावट समझा था अब एक प्रेरणादायक उदाहरण बन गया। लोग उसे मान्यता देने लगे और वह लड़का अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर होने में सफल हुआ। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अकेलेपन को एक सुनहरा अवसर बनाने के लिए हमें संघर्ष करना चाहिए। हमारी संयमता, समर्पण और मेहनत हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर आगे बढ़ा सकती है। धन्यवाद।